वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल से आप क्या समझते हैं और ये कैसे काम करता है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है? वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। तो इसमें हम ये देखेंगे भाई, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल होता क्या है, उसके बाद ये पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे ये काम कैसे करता है। ओके, ये सारी बातें हमको पढ़नी है। तो पहले हम देखते हैं कि वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो भाई ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है। मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। What are electrochemical cell? These are the devices which are used to convert electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy. ये होते हैं हमारे electrochemical cell। तो भाई तो ये कौन सी टाइप का होता है जिसके अंदर आप क्या करोगे, chemical energy को आप किस में convert करोगे, electrical energy के अंदर। बात आपको पहले पड़ी, यानी वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी के बेस पे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बात आपको हो गए। कोई एग्जांपल इसका हमको देखने को मिलता है डेली लाइफ में? बिल्कुल देखने को मिलता है। अगर आपने कभी देखा हो एक ड्राई सेल होता है, आमतौर पर आप जो ये सेल लेके आते हो, घड़ी के सेल या भाई किसी रेडियो के सेल लेके आते हो या रिमोट के सेल लेके आते हो, है ना, वो ब्लू ब्लू कलर के होते हैं भाई, isn't it? उसके अंदर आपको पता होगा ना क्या भरा होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं कुछ खास अरेंजमेंट्स में, और क्या उससे आपको थोड़ा बहुत करंट नहीं मिलता क्या? इसीलिए तो क्या होता है वो रिमोट को ऑन कर सकते हैं, isn't it? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सॉरी तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी बेस पे क्या बनाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आपको अभी बनाता कैसे ये भैया काम कैसे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले पता क्या रिकॉल करना पड़ेगा, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या आपको आपको ये इसका प्रिंसिपल क्या होएगा, इसका प्रिंसिपल ये होता है, देखो अगर मान लिया आप एक काम करो, आप CuSO4 अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, किसका, आप कॉपर सल्फेट में आप पता क्या मिला दें, जिंक मिला दें, आप जिंक की रोड यहां पर क्या कर दें, डिप कर दें। मान लिया मेरे पास एक सॉल्यूशन है और एक किसका है, कॉपर सल्फेट का, तो आपको पता इसके अंदर क्या होंगी, इसके अंदर कॉपर तो 2 पॉजिटिव आयन होंगी। अब बेटा आपको समझ में आता है, और आपको ये आता है नहीं, पहले आपने कोई पढ़ाई आपको, ओके अब ट्राई करो भाई समझ में आपको आता ही नहीं, तो ओके आपको 100% क्या आएगा, ये समझ में आएगा। तो यहां पर तो क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और यहां पर कौन हमारे पास, सल्फेट आयन, पता होगा ना आपको भाई, क्योंकि जब आप नमक कोई पानी में डिसॉल्व करते हो तो Na आयन और क्लोराइड आयन क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। उसी तरीके से आप कॉपर सल्फेट को जब क्या करते हो, पानी में डिसॉल्व करते हो, तो कॉपर आयन अलग हो जाएंगी और सल्फेट आयन क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो भाई वोल्टिक सेल का प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होगा, देखो आप ही बताओ, तो अगर आप इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयन भी हो और सल्फेट आयन भी है ना, अच्छा बताओ जितनी कॉपर आयन होंगी उतनी क्या होंगी, सल्फेट आयन, उनका नंबर क्या होगा, बराबर होगा ना। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पता क्या डिप कर दूं, जिंक रोड, तो पता क्या होगा, जिंक रोड इसके अंदर घुलने लग जाएगी, यानी कि जिंक रोड इसके अंदर डिसॉल्व होने लग जाएगी और इस बॉटम ऑफ द वेसल में कॉपर जम जाएगा। क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा भाई ऐसा क्या हुआ कि नीचे कॉपर कैसे जम गया और जिंक रोड इसके अंदर कैसे डिसॉल्व हो रही है, और इसमें और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी होना हो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रही है, हीट निकल रही है। तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप जिंक की रोड डिप कर दोगे तो कुछ समय के बाद जिंक की रोड क्या हो जाएगी, डिसॉल्व होने शुरू हो जाएगी, मतलब पूरी तरह नहीं लेकिन क्या होने लग जाएगी, पतली होने लग जाएगी। इसका मतलब इसका जिंक कहाँ जा रहा है लगातार सॉल्यूशन में, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कैसे जा रहा है। तो वास्तव में होता क्या है, यहां पर जिंक का तो मेरे पास एटम है लेकिन कॉपर सल्फेट जो है यहां पर, कॉपर तो क्या 2 पॉजिटिव,
और सल्फेट क्या है? टू नेगेटिव। तो होता क्या है, जो ये जिंक होगा ना, ये जिंक एटम पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, जिंक टू पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स में। ऐसा क्यों होता है, आप आगे पढ़ाएंगे। मतलब जिंक क्या बना लेगा, जिंक टू पॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा, ठीक है बात। और ये जिंक आयन कहां पर आ जाएगी सॉल्यूशन में, तो जिंक एटम जो रोड का था वो आयन बना के कहां पर आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। तो आपको हो गए फिर दो दो इलेक्ट्रॉन थे, तो आपको हो गए फिर तो भाई सॉल्यूशन में कॉपर आयन और जिंक का, कॉपर आयन और सल्फेट आयन का नंबर बराबर था ना, एक जिंक आयन एक्स्ट्रा आ गई तो पॉजिटिव आयन क्या होगी ज्यादा और नेगेटिव आयन क्या रहेगी, कम रहेगी ना, क्योंकि भाई पहले मान लिया 100 कॉपर आयन थी, 100 सल्फेट आयन थी, लेकिन अब एक जिंक आयन भी तो अभी सॉल्यूशन में, तो एक कॉपर आयन को यहां से खत जाना पड़ेगा। और वो कैसे जाएगी, तो होता क्या है, जो ये जिंक रोड ने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, उन्हें कौन ले लेगी, सॉल्यूशन में से कॉपर आयन उन्हें क्या कर लेगी, उनको लेके और क्या बना लेगी, कॉपर एटम, न्यूट्रल कॉपर, क्या बना लेगी, कॉपर। तो जिंक का तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन थोड़ा आपको पता हो क्या होता है, देखो मान लिया हमारे पास ये है जीरो, ये है प्लस एक, ये है प्लस दो, ये है प्लस तीन, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। अगर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किस साइड जाए, उस साइड जाए, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, यानी किसी का भी मोर नेगेटिव से क्या हो जाए, लेस नेगेटिव, या जीरो से क्या हो जाए, पॉजिटिव, या प्लस वन से क्या हो जाए, प्लस थ्री, यानी कि लेस पॉजिटिव से क्या हो जाए, मोर पॉजिटिव। मतलब इस साइड आप जाओगे ना तो क्या कहलाता है, किसी एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इस साइड जाए तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इस साइड क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो जिंक का पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, जीरो, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या हो गया, प्लस टू हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, जिंक का यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर आयन थी उसका पहले क्या था, कॉपर आयन सॉल्यूशन में थी ना, तो कॉपर आयन का पहले क्या था ऑक्सीडेशन नंबर, रुककर, प्लस टू था ना, उसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो क्या बन गया, कॉपर। तो इसका क्या हो गया, प्लस टू से क्या हो गया, जीरो। तो कॉपर का तो क्या हुआ है, प्लस टू से जीरो, कहां पर आए हैं, लेफ्ट साइड। तो क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। तभी तो क्या बोलते हैं इनको, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं। तो यहां से तो ओवरऑल यहां पर क्या हुआ, अब समझ गए बात भाई, कि वास्तव में क्या होता है, इस जिंक रोड से जिंक एटम लगातार कहां आते रहेंगे, सॉल्यूशन के अंदर, क्या बना के, जिंक आयन। और जितनी जिंक आयन कहां पर आएंगी, सॉल्यूशन में, उतने ही कॉपर आयन क्या करेंगी, वो जो इलेक्ट्रॉन थे ना जो जिंक छोड़े थे, उनको लेके क्या बना लेंगे, कॉपर मेटल। और वो कहां जम जाएगी, बॉटम ऑफ द वेसल में। तो जितने जिंक एटम रोड से कहां पर आएंगे, सॉल्यूशन में, उतने कॉपर आयन, जितने जिंक एटम आयन बना के सॉल्यूशन में आएंगे ना, उतनी कॉपर आयन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन ले क्या बना लेंगी, एटम बना लेंगी। बात आपको पहले पड़ी, अब समझे जिंक यहां पर डिसॉल्व क्यों होता है, आगे आपको। तो क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट हमारे पास क्या बन रहा है, बताओ सॉल्यूशन में क्या बनने लग रहा है, जिंक सल्फेट। पहले सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर सल्फेट, लेकिन सॉल्यूशन में जो जिंक कॉपर सल्फेट था उसमें कॉपर कौन रिप्लेस कर रहा है, जिंक। तो हमारे पास क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस में क्या बन रहा है, कॉपर। तो देखो भाई, तो ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया हमारे पास, जीरो से प्लस टू में चला गया, और कॉपर प्लस टू से जीरो में चला गया, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर ट्रांसफर हुए हैं, जिंक एटम से इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हुए हैं, कॉपर आयन को। लेकिन ये सारे का सारा ट्रांसफर विद इन सॉल्यूशन हुआ है ना, कहां पर हुआ है, विद इन सॉल्यूशन। यानी हम समझ गए कि जिंक एटम चाहता है कि वो कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन दे दे, और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, लेकिन ये सारा ट्रांसफर कहां के थ्रू हो गया, मतलब सॉल्यूशन के थ्रू हो गया, सॉल्यूशन के अंदर ही हो गया, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी एनर्जी किसमें बदल जाती है, हीट में। तो इस ट्रांसफर के दौरान हीट निकलती है, क्या होता है,
इस ट्रांसफर के दौरान एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी निकलती है फिर हीट की फॉर्म में, नहीं आपको? लेकिन अगर मैं इसी ट्रांसफर को, तो जिंक से जो ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, अगर मैं इसको किसी तार में से गुजार सकूं, क्या अगर मैं ये कहूं जिंक को इलेक्ट्रॉन देने हैं, कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, लेकिन मैं उस ट्रांसफर को किसी तार में से करवाऊं, तो क्या बन जाएगा? करंट। फिर सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, नहीं आपको समझ? आप इसको ऐसे मानो, मान लिया आपके पास एक बाल्टी पानी है, क्या, और आपने एक बाल्टी पानी दूसरे को दे दिया, नहीं समझे बात? आपके पास एक बाल्टी पानी है, आपने अपने फ्रेंड को एक बाल्टी पानी दे दिया, ठीक है, तो कोई पानी आपको करंट नहीं बनाना, नहीं समझे बात? तो पानी का ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन कोई करंट तैयार हमारे पास, मैं बहुत सिंपल साइंस में आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब अगर क्या हो जाए, आप उसको ये बोलो अपने फ्रेंड को कि अगर तुझे ये पानी लेना है ना, क्या, तो आप एक बहुत ऊंची एक लंबी नली है, क्या, एक बहुत लंबी नली है, यहां पर एक कीप लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, एक कीप लगा हुआ है, और आप उसको ये बोलो कि मैं यहां पर, मैं यहां से पानी डालूंगा और तुम यहां पर अपनी बकेट रख लो, नहीं आपको? अब बताओ, अब पानी वही ट्रांसफर होना है, पहले भी आपने एक बकेट पानी दूसरे को दिया है, नहीं समझे बात? लेकिन पहले दोनों नजदीक थे ना, पहले दोनों क्या थे, नजदीक थे, वही जिसने, नहीं बात आपको पहले पड़ी? लेकिन अब दोनों दूर दूर है और ये एक नली है, तो अगर एक जना यहां पर पानी डालेगा, दूसरा पानी यहां पर लेता है, अब वो पानी किस में से होके जाएगा, इस पाइप में से, तो पानी में, पानी का यहां पर करंट नहीं बन जाए, एक तरह से वाटर करंट, बात आपको पहले पड़ी? तो वही पानी अगर ट्रांसफर तो करना हमको, लेकिन सीधे ट्रांसफर ना करके उसको पाइप के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन यहां पर जिंक से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो जिंक से कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो करने हैं, लेकिन आप उसको सॉल्यूशन के अंदर अंदर में ट्रांसफर होने दो, कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ाओ, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करें, किसी तार में से होके जाएं, कॉपर आयन तक पहुंच तो जाएं। आपको ऐसे कैसे होगा? ऐसे हो सकता है अगर मैं कॉपर आयन को जिंक रोड से बहुत दूर कर दूं, कॉपर आयन को जिंक रोड से बहुत दूर कर दूं भाई, और एक तार के थ्रू कुछ उनको जोड़ दूं आपस में, तो क्या हो जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन जाएं तो गए कॉपर आयन तक जिंक रोड से, लेकिन तार में से होके जाएंगे ना, और इलेक्ट्रॉन तार में से होके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? करंट। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज। तो अगर तार में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या फ्लो करेगा? फ्लो ऑफ चार्ज होएगा ना, तो फ्लो ऑफ चार्ज होएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। आगे आपको ये डिवाइस ऐसे काम करता है, ओके? तो आपको ओके, फिर ये डिवाइस हम कैसे बनाएं, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो इसको ऐसे तैयार किया जा सकता है कि आप एक काम करो, एक ले लो वेसल, एक बाल्टी ले ली, इस बाल्टी में आप भर दो जिंक सल्फेट, क्या भर दो? जिंक सल्फेट भर दो यहां पर भाई, क्या? जिंक सल्फेट भर दिया ना, पहले तो कॉपर सल्फेट की बाल्टी में क्या रखा था? जिंक रोड, तब तो ट्रांसफर कैसा हुआ था? वहां की वहां पर हो गया था ना। लेकिन आप एक काम करो, जिंक सल्फेट में क्या रख दो? जिंक की रोड, क्या रख दो? जिंक की रोड, और एक बाल्टी और ले लो, और यहां पर क्या भर दो? कॉपर सल्फेट CuSO4 का सोल्यूशन ये, और ये तार किसकी बना दो बताओ भाई? कॉपर की, नहीं आपको? तो देखो यहां पर आप, अगर मैं इस जिंक रोड को यहां पर रख देता तो ट्रांसफर यहां क्या होता? तो हीट पैदा होती। लेकिन अब जिसने ट्रांसफर करना वो मैंने कहां रखी है? दूसरे वेसल में, जिस आयन को ट्रांसफर करना है, कॉपर आयन को, ये कॉपर ध्यान रखिए, कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है यहां पर आयन होती है, क्या होती है? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन है। तो अब और इनको मैं एक तार से जोड़ दूं, किससे बेटा? तो अब बताओ क्या होगा, अब पता क्या होगा? अब पहले मैं आपको बेसिक साइंस में बताऊंगा बिल्कुल, अब ये काम होता साइमल्टेनियसली है, लेकिन मैं आपको थोड़ा तोड़ के बताता हूं इसको, किसको तोड़ के, ओके? तो बताओ क्या हो जाएगा, अब यहां से एक जिंक रो एटम क्या क्या बना ले? अच्छा ये मान लो यहां पर 100 आयन किसकी है? जिंक की, और 100 आयन किसकी है? सल्फेट की, और यहां पर 100 आयन किसकी है? कॉपर की, और 100 आयन किसकी है? सल्फेट की। अब ये हो जाए इस जिंक रोड का एक जिंक एटम क्या बना ले? जिंक आयन, और क्या छोड़ दे? दो इलेक्ट्रॉन। वो दो इलेक्ट्रॉन तो कहां रह जाए?
वो दो इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ जाए, नहीं आपको समझ में? और ये कहां पर आ जाए, ये जिंक आयन कहां पर आ जाए, यहां पर। तो शुरू में यहां पर क्या थी, 100+100 थी ना, पहले यहां पर क्या थी, 100 जिंक 100 सल्फेट थी। लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, 101 तो क्या हो जाएंगे जिंक, और ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 100 क्या होंगी सल्फेट। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगी, अब जिंक एटम इसका यहां पर आ तो गया सॉल्यूशन में, तो यहां पर जिंक आयन क्या थी 100 और सल्फेट आयन 100 थी, लेकिन एक जिंक आयन यहां पर एक्स्ट्रा नहीं आगी, कहां से आगी, ये जिंक रोड का एक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया, तो उसके इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगी ना। अब वो इलेक्ट्रॉन इस तार में से कहां गुजर जाए, यहां तक, नहीं आपको, तो इस रोड तक क्या होंगे वो इलेक्ट्रॉन, यहां से वहां पहुंच जाएंगे ना, इजंट इट। अब यहां इसके पड़ोस में कौन घूम रही है, कॉपर आयन, क्योंकि इस कॉपर रोड के पड़ोस में कौन घूम रही है, कॉपर आयन नहीं घूम रही है, और क्या उन कॉपर आयन्स को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं क्या, है कि नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इससे ग्रैब कर लेंगे। तो अब उन्होंने कॉपर, तो सॉल्यूशन में से यहां भी क्या थी, पहले हमारे पास 100 कॉपर आयन थी और 100 क्या थी सल्फेट आयन, ठीक है। लेकिन अब यहां से क्या होगा, सॉल्यूशन में से कॉपर आयन क्या करेगी, जो दो इलेक्ट्रॉन यहां से एक जिंक एटम आयन बना के यहां चला गया, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, वो दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ गए, ठीक है बात। अब वो दो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, इस रोड तक पहुंचने के बाद, इस रोड के अराउंड जो कौन घूम रही है, कॉपर आयन, उनमें से एक कॉपर आयन ने वो दो इलेक्ट्रॉन ले क्या बना लिया, कॉपर एटम, और वो कॉपर एटम कहां चिपक गया, अब की बार बॉटम ऑफ वेसल में नहीं, कहां पर चिपक गया, कॉपर जहां से उसने इलेक्ट्रॉन किए ना वही उसी के ऊपर चिपक गया, नहीं आपको। तो ये रोड थोड़ी क्या होगी, पतली, हाइपोथेटिकली एक एटम गया यहां से और इसके ऊपर एक कॉपर एटम चिपक गया, एक कॉपर रोड थी, कॉपर चिपक गया ना भाई, तो यहां पर कॉपर आयन सॉल्यूशन में क्या रहेगी मेरे पास, 99 क्या, कैसे रहेगी भाई, यहां पर तो जिंक आयन कितनी होगी, सल्फेट आयन यहां भी 100 है, सल्फेट आयन वहां भी 100 है, लेकिन यहां पर जिंक आयन क्या हो जाएंगी 100 से 101, और यहां पर कॉपर आयन क्या हो जाएंगी 100 से 99। लेकिन इस प्रोसेस में तो जिंक एटम के दो इलेक्ट्रॉन जो थे वे मिले अभी भी किसको हैं, कॉपर आयन को ही मिले हैं, लेकिन वो किसके थ्रू होके गए हैं बताओ, वायर के थ्रू। तो इस वजह से क्या बन जाएगा हमारे पास, एक करंट नहीं बनेगा, नहीं बताओ आपको पले पड़ी। तो आपने बेसिक प्रिंसिपल किसका समझ लिया, गैल्वेनिक सेल का, यानी आपने यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन करवानी है, लेकिन जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देती है और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेती है उनको दो अलग अलग वेसल में रखो, ताकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होए ना तो किसी तार के थ्रू होके जाए, और तार के थ्रू होगा तो क्या होगा, करंट बन जाएगा हमारे पास। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, अच्छा इसको आप ऐसे ही मान सकते हो, इसको आप कैसे, आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे मान लो, तो ऐसे लगातार क्या उतरेगा, यहां से जिंक एटम लगातार कहां से जाएंगे, इसके अंदर, नहीं आपको समझ, फिर एक और यहां पर आएगा, फिर एक और यहां पर आ गया, यहां जिंक आयन फिर क्या हो जाएंगी 102, सल्फेट आयन क्या रहेंगी 100 रहेंगी ना, फिर दो इलेक्ट्रॉन फिर यहां से यहां पर आ गए, अब वो दो किसने लिए बताओ, कॉपर आयन ने यहां से ले लिए और कॉपर एटम बना के इसके ऊपर चिपक गई, तो यहां पर क्या रहेगा मेरे पास 98 क्या रहेगी कॉपर आयन, और 100 क्या रहेगी मेरे पास सल्फेट आयन, नहीं आपको 98 क्या रहेगी हमारे पास कॉपर आयन और सल्फेट हमारे पास क्या रहेगी 100 रहेगी। तो सिमिलरली क्या होता जाएगा, लगातार जिंक एटम तो जिंक आयन बना के इसके अंदर आते चले जाएंगे, तो जिंक एटम तो भाई जिंक आयन बना के लगातार सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और यहां से कॉपर आयन लगातार कॉपर बना के इसके ऊपर चिपकती रहेंगी, तो ट्रांसफर होएगा ना, तो सेल बन गया। अच्छा आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पर, तो जो जिंक एटम है इसके वो यहां पर जाएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन कहां पर छोड़ते जाएंगे, जिंक रोड के ऊपर, शुरुआत में तो वो इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ते हैं, जिंक रोड पे छोड़ते होंगे ना, तो ये जिंक रोड क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्या हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, क्यों भाई, क्योंकि इसके एटम जो है वो तो आयन बना के सॉल्यूशन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ देते हैं, रोड के ऊपर, और तभी तो ये इसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे वो सारे, तो तभी तो वहां से वहां पर जाएंगे, नहीं आपको समझ में। और आप ये मान लो कि
अगर अगर बोले तो यहाँ पर जो कोपरायन है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुँचने से पहले ही, इलेक्ट्रॉन के यहाँ से अगर मान लिया जो कोपरायन है वो इस रोड से क्या छीन ले इलेक्ट्रॉन और क्या बना ले न्यूट्रल कॉपर, तो कहाँ चिपक जाएगी वो रोड के ऊपर। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से छीने किससे हैं, रोड से छीने होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन से छीने किससे हैं, तो रोड क्या हो जाएगी पॉजिटिव। आप इसका सीधे देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पहुँचने से पहले क्या होगा, कॉपर किसके ऊपर चिपकना शुरू कर देगा, कॉपर रोड के ऊपर, तो ये रोड क्या होने लग जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि इसके जो एटम हैं वो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं सॉल्यूशन में, और यहाँ पर कॉपर आयन क्या कर रही है लगातार इलेक्ट्रॉन लेके इस रोड से छीन के इसके ऊपर चिपक रही है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन छीनेंगे वो तो इस पर चिपक जाएंगे, लेकिन रोड तो क्या हो जाएगी एक तरह से पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए क्या, तो ये रोड कैसी बन जाएगी पॉजिटिव, क्या बन जाएगी नेगेटिव, नहीं आपको, तो इस रोड के ऊपर लगातार क्या हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन भाई तो यहाँ क्या बोलेंगे, ये क्या है नेगेटिव पोटेंशियल पे, ये बताओ कहाँ होगी पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव, नहीं आपको, तो इलेक्ट्रॉन्स का फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा फ्लो चालू, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे कि यहाँ नेगेटिव कम हो जाए रोड का और इस रोड का पॉजिटिव कम हो जाए, तो फ्लो नहीं होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन का, बोलो भाई। तो जब तक इनका पोटेंशियल में क्या रहेगा डिफरेंस, जब तक दोनों सेल के पोटेंशियल में क्या रहेगा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे। जैसे दो अगर टंकी हो, उनको आप किसी पाइप से जोड़ देते हो, जब तक टंकियों के पानी में लेवल में डिफरेंस रहेगा तब तक तो पानी मुंह धो के ऊपर ही थोड़ा आंखों में पानी मार के हो, क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा अच्छा मुझे लगा पूरी दारी, ओके ओके फिर ठीक है। तो बताओ भाई, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएंगे ना हमारे पास, उपकार को समझा ना भाई, ठीक है शाबाश। तो जो अगर टंकियों का पानी बराबर हो जाएगा तब तो वाटर फ्लो नहीं करेगा ना, तो जब तक पानी के लेवल में डिफरेंस रहेगा तब तक तो टंकी में पानी बहता रहेगा, बराबर रुक जाएगा। तो सिमिलरली जब इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बराबर, उस वक्त इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे और करंट हमको मिलता रहेगा हाइपोथेटिकली, इजंट इट। अच्छा एक बात और, इस ये जो जिंक रोड है इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं, तो यहां पर नेगेटिव रोड को हम क्या बोलेंगे एनोड। आप ऐसे ध्यान रखियो दोनों वावल से शुरू होते हैं, दोनों क्या होते हैं, जिस रोड के ऊपर क्या हो ऑक्सीडेशन उसको हम क्या बोलेंगे एनोड, और जिस पे क्या हो रिडक्शन से क्या बोलेंगे कैथोड। हमेशा चाहे कोई भी सेल हो, देखो ये तुम्हारा क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सॉरी ये तुम्हारा क्या है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है केमिकल एनर्जी से क्या बनती है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनती है केमिकल एनर्जी, वही तो है ना हमारे पास, नहीं समझे बात। तो सेल कोई सा भी हो ध्यान क्या रखना आपने हमेशा, रिडक्शन जहां होगा वो क्या बोलना पड़ेगा कैथोड, और ऑक्सीडेशन जहां क्या बोलना पड़ेगा एनोड। और याद कैसे कर सकते हो, एनोड और ऑक्सीडेशन दोनों वावल से शुरू होते हैं, किससे, दोनों वावल से शुरू होते हैं क्या, एनोड ए ऑक्सीडेशन ओ, ए ई आई ओ यू, नहीं आपको, नहीं देखा नहीं आपको, ये तो हम क्या बोलेंगे, तो ये एनोड होगा कि वो एनोड होगा, ऑक्सीडेशन यहां हो रहा है, जिंक का यहां पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो क्या बोलेंगे इसको एनोड, दिस विल बी कॉल्ड एज एनोड, नहीं आपको, अच्छा। और ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, किससे पता हो ना आपको, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं कैथोड रिडक्शन, रिडक्शन शुरू होता है आर से, आर भी कॉन्सोनेंट है और कैथोड सी से शुरू होता है, दोनों क्या कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर कॉपर आयन क्या लेके इलेक्ट्रॉन क्या बनाती है न्यूट्रल कॉपर, तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर टू पॉजिटिव क्या बनता है कॉपर, तो यहां पर क्या हो रहा है इस रोड के ऊपर रिडक्शन, तो ये रोड लगातार क्या होती होगी थिक होती आएगी, और ये रोड लगातार डिजोल्व होती आएगी, नहीं है आपको, इसका जिंक लगातार घुलता जाएगा इसमें सॉल्यूशन में से, कॉपर इसके ऊपर चिपकता जाएगा, तो यहां हो रहा है रिडक्शन,
इसे क्या बोलेंगे, कैथोड एंड एनोड। आसान है कि मुश्किल है? अब मतलब बढ़िया बेटा, अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए, लेकिन यहां पर एक दिक्कत अभी भी बताओ क्या यहां पर दिक्कत है। इसको आपने एक्सटर्नल सर्किट तो पूरा कर दिया, क्या आपने यहां पर भाई एक्सटर्नल सर्किट तो पूरा कर दिया लेकिन इंटरनल सर्किट पूरा नहीं किया आपको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, ध्यान रखिए, अगर आपने यहां पर क्या लगा दिया, एक बल्ब, आपने यहां पर क्या लगा दिया एक, तो ये जलने लगेगा क्या? क्यों बात आपको पहले पड़ गई भाई? जैसे कि आप नहीं होता किसी बल्ब के, कोई आपके पास डीसी बल्ब आते हैं, उनके नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दोगे तो जलता नहीं है क्या? तो ये हमारे पास क्या हो, जलेगा ना बल्ब ही। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रॉन इस रोड से उस रोड पे जा रहे हैं, पक्की बात है ना? ठीक है, लेकिन क्योंकि देखो सल्फेट आयन तो यहाँ पर क्या रहेंगी, अंडर रह रही हैं, लेकिन क्योंकि जिंक जो है रोड का, वो लगातार जिंक आयन बना के डिजोल्व होने लग रहा है, किसके अंदर, जिंक आयन के इलेक्ट्रॉन तो रोड पर रह जाएंगे, जिंक एटम का इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रह जाएगा, रोड पे, और उसके थ्रू वहां भाग जाएगा, लेकिन जिंक आयन कहाँ पर है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में तो पहले शुरुआत में तो सॉल्यूशन क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, शुरुआत में सॉल्यूशन क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन समय के साथ जिंक रोड से जिंक आयन लगातार सॉल्यूशन में एंटर नहीं कर रही क्या, तो उससे जिंक आयन का नंबर क्या हो लगातार बढ़ेगा नहीं क्या, तो 100 100 100 101 100 102 100 103 हाइपोथेटिक तुम क्या बोलेंगे, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, तो 100 सल्फेट आयन जो होंगी वो 100 जिंक आयन को न्यूट्रलाइज कर सकती है चार्ज वाइज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लेकिन अगर जिंक आयन लगातार बढ़ जाएंगी सल्फेट आयन के मुकाबले, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव आयन्स का नंबर क्या है, ज्यादा है, और नेगेटिव आयन्स का नंबर क्या है, नेगेटिव आयन्स का नंबर घटा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव बढ़ गया तो रिलेटिवली क्या हो गया, नेगेटिव आयन थोड़ी नहीं रहेगी, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो जब भी एक जिंक आयन यहां पर आएगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव, जब भी एक जिंक आयन यहां पर, सॉल्यूशन मोर एंड मोर पॉजिटिव, नहीं है आपको? और सिमिलरली यहां क्या होगा बताओ, यहां पहले कॉपर आयन और सल्फेट आयन के बराबर थी नितिका, यहां पर कॉपर आयन और सल्फेट आयन का नंबर क्या था, बराबर था, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर आयन लगातार किसके ऊपर चिपक रही है, रोड के ऊपर, तो सॉल्यूशन में कॉपर आयन का नंबर लगातार तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, उससे बताओ क्या हो जाएगा, यहां पर को अगर पॉजिटिव आयन लगातार कम हो रही है तो रिलेटिवली नेगेटिव आयन का नंबर क्या है, जैसे 99 कॉपर आयन जो होंगी, एक कॉपर आयन यहां चिपकगी तो यहां पर कॉपर आयन क्या रहेगी, 99, अब 99 कॉपर आयन होगी, वो 99 सल्फेट आयन के चार्ज को बैलेंस कर सकती है, लेकिन एक सल्फेट आयन क्या बच जाएगी हमारे पास, उसका नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने वाला कोई नहीं है ना, उसका 2 नेगेटिव, तो जब भी एक कॉपर आयन इसके ऊपर चिपकेगी तो एक सल्फेट आयन का चार्ज बैलेंस करने वाला कोई नहीं बचेगा भाई, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाएगा। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है भाई कि अगर ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से वहां पर जाने की ट्राई करेगा उसको खींचेगा नहीं क्या, क्योंकि अगर सॉल्यूशन क्या होगा, मोर एंड मोर पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन के उस साइड मूव करने को अपोज करेगा, और ये सॉल्यूशन क्या होगा, मोर एंड मोर नेगेटिव, तो वो इस इलेक्ट्रॉन के आने को यहाँ ने क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा, नहीं है आपको, तो करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, समझे बात, तो यहां पर हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए जिससे ये जो सॉल्यूशन था ना, ये क्या होगा था, मोर एंड मोर, और ये क्या मोर एंड मोर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो यहां पर अकुमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर अकुमुलेशन ऑफ, ये ना हो, ये सॉल्यूशन पूरे वर्किंग के दौरान क्या रहे, न्यूट्रल, और ये वाला सॉल्यूशन भी क्या रहे, न्यूट्रल, इसके लिए बताओ क्या किया जाए, क्या बेटा इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, पढ़ा आपने, हाँ। नहीं पढ़ रखा, इसके लिए एक डिवाइस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज, उसमें क्या होता है, उसमें एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, किसका,
ज्यादा पॉपुलरली इस्तेमाल होता KCl, यहां पर कौन सा हो जाएगा? KCl यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा ज्यादा पॉपुलरली, नहीं आपको समझ में? लेकिन ध्यान रखियो, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि वो सेल रिएक्शन में भाग ना ले, क्या वो सेल की रिएक्शन उसको भाग नहीं लेना भाई, बात आपको पहले पड़ गई? नहीं आपको समझ में? तो इसमें अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको भाई इसको बनाते ऐसे हैं, या तो आपने क्या लिया है, आपने तो ये नहीं है, ये सॉल्ट ब्रिज बनाना बहुत सिंपल होता है। आप एक फिल्टर पेपर लें, क्या लें? एक फिल्टर पेपर, और उसकी BDC बना लें, क्या? अरे कैसे बनानी है? अरे ऐसे फोल्ड करके ना, ऐसे जैसे एक पेपर होता है, मान लें एक पेपर है, इसको पहले एक फोल्ड कर लो, फिर दो फोल्ड, फिर तीन फोल्ड, तो आपके पास एक पतली पट्टी नहीं बन जाएगी थोड़ी मोटी? ये आपके पास एक वो नहीं बन जाएगा, एक ऐसे रोल, जैसे आप चार्ट को रोल कर लेते हो, चार्ट को आप रोल नहीं कर लेते हो ऐसे, एक पाइप सी बन जाती चार्ट की, तो सिमिलरली वो चार्ट क्या किसका बना लो? फिल्टर पेपर का। किसका? फिल्टर पेपर का, नहीं है आपको? और उसको फिर क्या करते हैं, जिसका भी आप क्या बना रहे हो सॉल्ट ब्रिज, उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं, उसको डिप करके, क्या सोक करके, और उसको नहीं ऐसे मोड़ के लगा देते हैं ऐसे, नहीं आपको ऐसे? अरे बोलो भाई, ऐसे मोड़ के रख दो आपको, तो इससे पता क्या हो जाएगा, इसको ऐसे बेटा मोड़ के इसमें रख दो, एक तो ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं फिल्टर पेपर साल्ट ब्रिज, क्या बोलते हैं इसको? फिल्टर पेपर वाला। या आप एक काम करो, आप बाकायदा आप एक यू शेप्ड ट्यूब लें, क्या लें? एक यू शेप्ड ट्यूब लें, ठीक है, और यहां पर बताओ क्या है, और इसके अंदर क्या भर दें? KCl का सोल्यूशन, KCl या K2SO4, कई तरह के हमारे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उनका एक सोल्यूशन कहां भर दें? और यहां पर कुछ पोरस सेट होते हैं, क्या होते हैं ये? पोरस सेट, नहीं आपको मतलब ये पोरस वॉल्व होते हैं, जैसे गिलास होता है, क्या होता है? गिलास में से तो पानी बाहर आता ही नहीं, स्टील गिलास में तो आपको हो गए पोरस है, तो फिर इसमें से बाहर नहीं आ जाएगा सॉल्यूशन? नहीं आएगा। आप ये बताओ मटका होता है, क्या मटके में से पानी बाहर आता है ना? आता क्यों नहीं? लेकिन वो बहुत स्लोली आता है, मटके में से पानी बेटा, स्टील गिलास में से, स्टील की जो टोकनी है, टोकनी उसमें से पानी बाहर नहीं आता, मटके से पानी बाहर नहीं आता, लेकिन आता भी है थोड़ा थोड़ा, तो उस अरे उसमें से पानी बाहर नहीं आता, क्या उस सरफेस पे आके उठ जाता है, तो मटका पोरस नहीं होता क्या? तो यहाँ पर वैसे ही जैसे कोई पोरस वो लगा दो कि भाई इसमें से गिरे भी ना सोल्यूशन, जैसे मटके में से पानी गिरता भी नहीं, लेकिन मटके में से पानी उड़ता भी रहता है, बंद मटके में से पानी उड़ता रहता, पता आपको इस चीज़ का? अब एक काम करो, एक मटका लेके उसको बंद कर दियो, ऊपर से क्लोज कर दियो टोटल अच्छे से, उसमें बिल्कुल भर के, कई दिन बाद उसमें से पानी कम मिलेगा आपको, कहाँ गए वो पानी? अरे भाई मटके पानी ठंडा कैसे रखता है? वैसे तो रखता है कि उसमें से रिस्क के वो बाहर आ जाएगा, बात आपको पहले पड़ेगी? इमीजिएटली आपको उसमें से पानी गिरता नजर नहीं आता, नहीं आपको समझ में? तो शीशे की ट्यूब ली, और नहीं तो आप ऐसे समझ लो, मैं आपको बहुत बेसिक सेंस में बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं होता, ऐसे कॉर्क से काट लो मटके के, किसके भाई? नहीं आपको, और यहाँ फिट कर दो, बात आपको पहले पड़ेगी? मतलब यहाँ पर ये पोरस वाल्व है, यहाँ पर क्या है? पोरस वाल्व, ये क्यों लगाए हैं? ताकि इसमें से आयन रिस भी जाए, इसमें से आयन ट्रांसफर भी हो जाए, लेकिन पूरा सॉल्यूशन इसमें से गिरे बिना, नहीं आपको क्या? हाँ, अगर ना आपको जिस मटके में पानी एकदम से नहीं गिरता और निकलता भी रहता पानी उसमें से, यहाँ पे काम और भी कर सकते हो, एक होता है अगर, अगर क्या होता है पता? अगर अगर क्या होता है? अगर मगर, अरे अगर मगर तो वैसे बोलते हैं, ज्यादा अगर मगर मत करो, नहीं समझे बात भाई? अगर अगर नहीं है, एक क्या बोलते हैं, जेली टाइप सब्सटेंस होता है, क्या होता है? जेली टाइप सब्सटेंस होता है, समझे बात? उसके जरिए क्या करते हैं, मतलब इस जेली टाइप सब्सटेंस को इसके अंदर भर देते हैं, इसके अंदर, इसमें क्या भर देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट को किसे मिला के? अगर अगर में मिला के क्या भर दो इसमें, इस ट्यूब में, उससे क्या हो जाएगा वो आपको पता? फिर भी जेल इसमें से गिरेगी नहीं? नहीं आपको, वो आपकी मर्जी भाई, आप इसमें
पोरस वाल लगाते हो, क्या करते हो, नहीं समझे बात? बस बात इसके अंदर क्या भरना है आपने, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने भरना है, नहीं समझो, KCl टाइप नहीं आपको, और उसको फिर क्या करो, यहां पर रख दो, कहां पर, यहां पर रख दो इसको, रख दो इसको, अरे बोलो भाई, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ओके, अब हमको मेंटेन क्या करनी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमको मेंटेन या फिर क्या करनी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब बेसिक सेंस में आप इसको ऐसे समझ सकते हो, बेसिक सेंस में अगर मान लिया ये जो इलेक्ट्रो साल्ट ब्रिज है, क्या है, अब देखो साल्ट ब्रिज का प्रॉपर मैकेनिज्म आपके स्कोप में नहीं है, साल्ट ब्रिज का सारा मैकेनिज्म आपको समझाया नहीं सकता भाई, समझे बात, तो मैं आपको बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ, बिल्कुल दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो। एक तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर जिंक का आयन क्या थी, हम आप दो लगातार बढ़ रही है ना, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव क्यों हो रहा है, यहां पर जिंक का आयन लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये सॉल्यूशन नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर कॉपर आयन लगातार घट रही है, तो सल्फेट आयन क्या है यहां पर, एक्स्ट्रा। तो फर्ज करो क्या, तो फर्ज करो भाई, जब यहां पर जिंक आयन क्या होगी 101 और सल्फेट क्या है 100 और यहां पर कॉपर कितनी है 99 और सल्फेट क्या है 100, तो यहां पर तो इस सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज क्या है 2 नेगेटिव और इस सॉल्यूशन पर चार्ज क्या है 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के ऊपर। तो अब अगर एक सल्फेट आयन क्या, तो सल्फेट आयन क्या, एक सल्फेट आयन इसके थ्रू होते हुए कहां कहां पहुंच जाए, वो तो यहां आ जाए, नहीं आपको क्या, तो अगर एक सल्फेट आयन यहां के थ्रू पर कहां पहुंच जाए, इसके अंदर पहुंच जाए, तो यहां पर सल्फेट आयन क्या हो जाएंगी 99 और कॉपर आयन क्या होगी 99, नहीं आपको, तो यहां पर सल्फेट आयन क्या होगी, कॉपर आयन क्या थी 99 थी ना, सल्फेट क्या होगी 99 होगी, और यहां पर बताओ क्या हो जाएगा 101 होगी ना, यहां पर जिंक आयन 101 क्या होगी, यहां पर सल्फेट आयन, नहीं आपको सुन, ओके तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल ये क्या हो गया, ये न्यूट्रल, ठीक है। अब मैं कहूं फिर से एक यहां पर आ गई, अब यहां पर जिंक आयन क्या होगी 102 होगी और यहां पर क्या होगी 99 थी ना, क्या थी यहां पर 99, अब यहां पर क्या 98 रहेगी, अब और ये 99 थी, तो जब यहां पर एक और चिपक गई तो एक और सल्फेट आयन क्या होगी, यहां से आ जाएगी, इससे बताओ क्या होगा, तो सल्फेट आयन लगातार क्या करती मूव करती रहेंगी, अगर यहां से हम मूव करते रहे, समझे बात, तो यहां बताओ क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट यहां पर क्या होगा लगातार बढ़ता जाएगा और कॉपर सल्फेट यहां पर लगातार घटता है, क्यों, क्योंकि कॉपर आयन तो कहां चिपक रही है, इसमें तो जिंक सल्फेट बढ़ना चाहिए और यहां पर कॉपर सल्फेट बढ़ना घटना चाहिए, क्यों, जिंक सल्फेट बढ़ना चाहिए क्योंकि जिंक आयन तो कहां से आ रही है, रोड से, और सल्फेट आयन कहां से आ रही है, साल्ट ब्रिज के थ्रू, नहीं आपको, और यहां पर कॉपर सल्फेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि कॉपर आयन तो चिपक गया इसके ऊपर, वो सल्फेट वहां वहां भाग गई, इससे यहां कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहां कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी, तो आप ही मानोगे, तो कब तक इस सेल को काम करना चाहिए बताओ। अच्छा, एक तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, एक तो इसको देखने का तरीका क्या होता है, ये वाला तरीका होता है, इससे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे लगातार न्यूट्रल हो जाएंगे ना, नहीं समझे बात। एक थोड़ा सा मोर क्या बोलते हैं एडवांस तरीका पता क्या होगा, वो ये हो जाएगा कि मान लिया हमारे पास क्या है, बताओ मान लिया हमारे पास क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है, KCl यहां पर नहीं भरा हुआ क्या, नहीं भरा हुआ क्या, तो यहां पर जिंक आयन क्या होंगी, बढ़ जाएंगी ना, जिंक आयन होगी 101, सल्फेट क्या है बताओ 100 नहीं क्या, नहीं आपको सुन, पक्की बात, तो क्या हो जाएगा, तो जो जिंक आयन होंगे ना यहां पर क्या होंगे, यहां पर तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो मेरे पास क्या है, जो KCl क्या है मेरे पास, KCl, अगर यहां से Cl नेगेटिव आयन कहां पर आने लग जाए, इस सॉल्यूशन में एंट्री करने लग जाए, किसमें से, अगर Cl नेगेटिव आयन बेटा कहां पर एंट्री करने लग जाए, इस सॉल्यूशन में एंट्री करने लग जाए,
तो यहां पर जिंक आयन के चार्ज कौन बैलेंस कर लेगा? सॉरी, तो एक जिंक आयन एक्स्ट्रा ही थी ना, तो दो सी एल आयन यहां पर एंट्री कर गई, तो सल्फेट नहीं आए बेशक, लेकिन जिंक आयन का चार्ज क्या हो गया? देखो प्रॉपर इसका आपके फिलहाल स्कोप में नहीं है, तो मैं आपको नहीं, आपको समझ नहीं, आपको तरीके बता रहा हूं मैं नहीं आपको, तो यहां पर तो क्या जाएगा, तो क्लोराइड आयन कहां पर आ जाएंगी? यहां पर आ जाएंगी, नहीं समझे बात? तो क्लोराइड आयन, ओके, तो यहां पर अगर क्लोराइड आयन आएंगी तो सॉल्यूशन के, अगर दो क्लोराइड आयन आएगी तो दो, तो जिंक टू पॉजिटिव क्या हो गया? बैलेंस हो गया ना। और यहां पर क्या क्या कम हो रहा है? तो कॉपर आयन कम हो रहा है ना, तो यहां से क्या दो पोटेशियम आयन कहां एंट्री कर जाए? यहां एंट्री कर जाए, ये भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। नहीं आपको, आप उसको ऐसे समझ सकते हो, नहीं समझे बात? एक्चुअल जो काम होता है ना उन दोनों का, एक क्या होता है, मतलब एक आप कह सकते हो इन बिटवीन सा होता है एक्चुअल प्रोसेस। साल्ट ब्रिज का एक्चुअल प्रोसेस आपके स्कोप में नहीं है। नहीं आपको समझ में? मतलब अगर देखा जाए तो जिंक आयन कहां जाएंगी? यहां जाएंगी। कहां जाएंगी? जिंक आयन जाएंगी इस तरफ, और इस साइड कौन आएंगी? क्लोराइड आयन। और यहां तो कौन आएगा हमारे पास? यहां पर आएंगे पोटेशियम आयन, नहीं समझे बात? और सल्फेट आयन यहां जाने की ट्राई करेंगे। आगे आपको ये, इससे क्या हो लगातार सॉल्यूशन क्या रहेंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। नहीं आपको सॉल्यूशन यहां पर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा और लगातार करंट बहता रहेगा। लेकिन एक बात पक्की है, यहां पर जिंक आयन लगातार बढ़ रही है, यहां पर जिंक की कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रही है? बढ़ तो रही है, नहीं बढ़ रही क्या? अब सॉल्यूशन न्यूट्रल बेशक रहेगा, लेकिन जिंक रोड तो क्या हो रही है? जिंक रोड तो लगातार क्या हो रही है? डिजोल्व हो रही है। तो यहां पर लगातार क्या रहे? जिंक आयन यहां पर लगातार नहीं क्या? हालांकि वो न्यूट्रलाइज हो रही है, किससे? आने वाले सल्फेट आयन से, लेकिन जिंक आयन बढ़ तो रही है। और यहां पर कॉपर आयन लगातार क्या हो रही है? घट रही है। तो आप क्या मानोगे, कब तक हमें करंट मिलना चाहिए? तो आप कहोगे जब तक सारी जिंक आयन, जब तक पूरे रोड क्या ना हो जाए? डिजोल्व। और यहां पर पूरे का पूरा कॉपर किसके ऊपर चिपक जाए? कॉपर आयन रोड के ऊपर, तब तक करंट मिलना चाहिए। करंट लेकिन उससे पहले ही रुक जाएगा क्या? नहीं समझे बात? उसकी वजह क्या होती है आपको बताएंगे भाई, क्योंकि एक आगे एक इक्वेशन आएगी नॉन स्टिक इक्वेशन। क्या आगे एक इक्वेशन आएगी नॉन स्टिक इक्वेशन, वो आपको बताएगा सब क्यों होता है। तो फिलहाल आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन आपको बताऊं तो हाइपोथेटिकली तो क्या होना चाहिए था कि जब तक जिंक रोड पूरी तरह क्या ना हो जाए, घुल ना जाए, या फिर जब तक सारे का सारा सॉल्यूशन का कॉपर आयन इसके ऊपर ना चिपक जाए, तब तक क्या होना चाहिए? करंट बहता रहे ना। हम तो ये बोलते रहेंगे, लेकिन करंट उससे पहले ही रुक जाता है। उसकी वजह क्या होती है बताओ? क्या होती है उसकी वजह? अच्छा भाई देखो, मुझे पता है साल्ट ब्रिज का प्रॉपर फंक्शन आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा फिलहाल, समझे बात? उसकी वजह क्योंकि आपके स्कोप में नहीं है, ओके। इसको हम पढ़ाते हैं बड़े लेवल पे, इसका प्रॉपर फंक्शन, समझे बात? फिलहाल तो पैसे मान लो सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा समझना कि सल्फेट आयन क्या करेंगी, यहां से यहां आती रहेगी, नहीं समझे बात भाई? तो यहां पर एक क्या पड़ेगी? जिंक आयन, उसे बैलेंस करने कौन आ जाएगी? वहां से एक सल्फेट आयन। तो यहां पर लगातार कंसंट्रेशन कम होगी, यहां पर कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगी। तो एक खास वैल्यू, तो जैसे ही सॉल्यूशन क्या होगी, एक खास कंसंट्रेशन आ जाएगी ना बढ़ते बढ़ते, और यहां पर घटते घटते क्या जाएगी? एक खास कंसंट्रेशन। तो जैसे इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का, शुरू में क्या था, दोनों कंसंट्रेशन बराबर थी ना, समझे बात? तो मान लीजिए तुम्हें क्या कह दूं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंसंट्रेशन, ये तो क्या है, ये तो क्या है? जिंक प्लस आयन कंसंट्रेशन, और नीचे क्या है? कॉपर टू पॉजिटिव आयन की, ये तो क्या है? जिंक आयन कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में, ये क्या है? कॉपर आयन कंसंट्रेशन रिडक्शन ऑफ सेल में। हम तो क्या मान रहे थे, जब तक पूरी तरह खत्म ना हो जाए, जब तक जीरो ना हो जाए इसके अंदर कंसंट्रेशन कॉपर आयन की, तब तक करंट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसका मतलब आप तो क्या मान रहे हो कि जब तक ये रेशियो क्या ना हो जाए, इनफाइनाइट क्या ना हो जाए, कॉपर आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाए? जीरो,
तो जीरो बटे ऊपर जीरो कुछ भी हो, एनी इनफाइनाइट होता है ना, जब तक रेशियो क्या हो जाए इनफाइनाइट तब तक करंट हमको मिलना, लेकिन करंट उससे पहले रुक जाएगा, समझे बात। इस जब ये खास रेशियो मिल जाएगा, क्या ये खास रेशियो कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सेल टू सेल, क्या तो एक खास रेशियो हो सकता है, हो सकता है ये रेशियो कितना होने पर टू थर्ड, कितना ये टू हो जाए, ये कितना हो जाए, मतलब इसको इससे भाग करो तो कितना आ जाए 0.67, कितना आ जाए, हो सकता है 0.67 पे क्या हो जाए, ये रुक जाए नहीं आपको, अरे बोलो भाई, लेकिन ये खास रेशियो आते ही क्या हो जाएगा, ये पहले रुक जाएगा नहीं आपको, समझ गए बात। तो अगर ये घट रहा है और ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, शुरू में बराबर ही है, तो शुरू में रेशियो क्या होगा, एक, सॉरी ये मान लिया पांच थी भी क्या है, पांच है, दोनों पांच पांच मोलर है नहीं आपको समझ, तो रेशियो क्या होगा, एक होगा ना हमारा। अब ये घटेगा और ये क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी अरे उल्टा मैं गलत बोल गया था, क्या हाँ कॉपर घटेगा, मैंने मैंने बोल दिया ना पॉइंट, मैंने क्या बोल दिया था, हाँ चलो अरे 0.67 मैंने बोल दिया था, नहीं समझे बात, वो नहीं है, मतलब क्या हमारे पास, मतलब ये मान लिया एक है, कितना है ये, अब ये बड़े हो रही क्या होगा, घटेगा, तो मान लिया ये कितना हो जाए, ढाई हो जाए, कितना हो जाए, ढाई, नहीं समझे बात, तो ढाई पे क्या हुआ, रुक गया ये, ढाई पे क्या हो गया, ये रुक गया रिएक्शन। तो उसके बाद अगर आपने क्या कर दिया, कॉपर वाले वेसल में आपने दोबारा बढ़ा दी, कॉपर घट रहा है ना, तो अगर आपने कॉपर सल्फेट वाले वेसल में थोड़ा क्या डाल दिया ऊपर से, कॉपर सल्फेट का डिजोल्व कर दिया टुकड़े, फिर से करंट आ जाएगा, नहीं समझे बात। तो एक खास रेशियो पे करंट आना बंद हो जाएगा ना, लेकिन जैसे ही आप कॉपर वाले वेसल में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट तीन चार डली और डाल दो, फिर से करंट आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको फिर से बढ़ा दिया नहीं, आपको प्रॉपर बात आपको पता लगेगी, आप क्या पढ़ोगे, नॉन स्टिक क्वेश्चन आगे आएगी, वो आपकी नहीं आपको ये, तो ये आपका वो तो क्या होता है भाई, गैल्वेनिक सेल, इसके ऊपर ये काम करता होता है, नहीं है ना आपको ये, आसान है मुश्किल है। अच्छा इसी का मैं आपको बताऊं, एक वेरिएंट होता है डेनियल सेल, अच्छा इसको बोलते हैं हाफ सेल, क्या बोलते हैं, हाफ सेल, तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, इसे क्या बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, आसान है कि मुश्किल है, आसान है बेटा, आसान है। अच्छा एक होता है डेनियल सेल, क्या होता है डेनियल सेल, इसी का होता है वेरिएंट, गैल्वेनिक सेल का ही एक कॉम्पैक्ट वर्जन, क्या होता है देखो ये, क्योंकि हम मोस्ट कॉमन पढ़ते हैं भाई, डेनियल सेल तो क्या होता है, यहां पर पोरस पोर्ट, क्या यहां पर आप सॉल्ट ब्रिज की वजह क्या इस्तेमाल कर लो, पोरस पोर्ट, क्योंकि आपको पता पोरस पोर्ट किसका काम करेगा, सॉल्ट ब्रिज का नहीं आपको, तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक जिंक की बाल्टी ले लो, किसकी बाल्टी, जिंक की बाल्टी, यहां पर आपने जिंक रोड नहीं लेनी है, आप बेल्ट बाल्टी किसकी लो, जिंक की बाल्टी लो, ले ली जिंक की बाल्टी, और इसमें क्या भर दो, जिंक सल्फेट, क्या भर दो इसमें, इसमें जिंक सल्फेट भर दो, भर दिया इसमें जिंक सल्फेट, तो ये है जिंक की रोड और ये है जिंक की, ये जिंक की रोड सॉरी, ये तो क्या है, ये वेसल का जो कंटेनर है ये तो कैसे एक्ट करेगा, जिंक रोड की तरह, और अरे भाई जिंक सल्फेट हो गया जिंक रोड के कॉन्टैक्ट में, जिंक रोड की जगह ये आ गया और ये क्या गया हमारा जिंक सल्फेट, और इसमें रख दो एक पोरस पोर्ट, क्या रख दो एक पोरस पोर्ट, शकोरा, क्या इसमें क्या रख दो एक पोरस पोर्ट, पोरस पोर्ट क्यों रखा बताइयो, क्योंकि यहां पर सॉल्ट ब्रिज आपको जरूरत नहीं है, जैसे जैसे भाई मटके में से आयन ट्रांसफर हो सकती है, जैसे मटके में से आयन ट्रांसफर हो सकती हैं, वैसे ही पोरस पोर्ट में से भी आयन ट्रांसफर हो सकती है धीरे धीरे, ओके समझे बात, इवन आप इसको शकोरा मान सकते हो एक तरह से, समझे बात, खास तरह का शकोरा नहीं बेटा आपको ये। अब इसमें क्या भर दो, तो देखो ये तो ध्यान रखियो, ये तो मेटल का कंटेनर है, तो ये कंटेनर जो है ये पोरस नहीं है, जैसे कि किसी लोहे की बाल्टी में
आप हांडी रख दो, क्या रख दो भाई? तो बाल्टी तो क्या है, पोरस नहीं है, लेकिन हांडी उसके अंदर रखी है वो तो पोरस है, तो यहाँ पर मैंने रख दिए, तो ये तो हो गया हांडी, और ये क्या होगी? बाल्टी। और इसमें क्या भर दो? कॉपर सल्फेट। क्या भर दो इसमें? कॉपर सल्फेट। तो दोनों सॉल्यूशन सेपरेट भी हो गए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, हो गया सेपरेट। और यहां क्या रख दो? कॉपर की रोड। क्या बेटा? तो कॉपर रोड क्या होगी? कॉपर सल्फेट है कॉन्टैक्ट में, और जिंक रोड क्या होगी? कॉन्टैक्ट में। तो ये तो क्या बन जाएगी? नेगेटिव। और ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहां तो क्या होगा? और यहां क्या होगा? रिडक्शन। वही बात बिल्कुल। और इनको तार से जोड़ दो, नहीं आपको ये, इनको आपने जोड़े तार से, नहीं आपको ये, इसको बोलते डेनियल सेल। आसान है, मुश्किल है? पक्का? अब थोड़ा मैं आपको भाई इसकी रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी किसी गैल्वेनिक सेल को या वोल्टिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या भैया? आपको ये पता होना चाहिए किसी गैल्वेनिक सेल को क्या, यहाँ पर जरूरत इसलिए थी भाई सॉल्ट ब्रिज की, क्योंकि यहाँ पर जो सल्फेट आयन बनेगी वो किस में से थ्रू पास होके? पोरस पोर्ट में से पास होके अपने आप आ जाएगी वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपको? ओके अच्छा बताओ, मैं आपको क्या बताया था कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। नितिका बेटा पल्ले पढ़ रहे, ऐसे आपको पढ़ा गया था कि आपने जहाँ पढ़ा था वहाँ पर आपको समझ में आया था? ये पढ़ा ही नहीं? अच्छा मैंने पढ़ा ही नहीं। अब बेटा अब समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से? मैंने भाई आयन मैंने तोड़ तोड़ के बताई बिल्कुल ये, ठीक है ओके। अब आप मुझे बताओगे किसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी गैल्वेनिक सेल को? तो यहाँ पर अपने यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज होता है ना, एक आप सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एक आप सेल में क्या होता है? रिडक्शन। और एक सॉल्ट ब्रिज है, तो इसको कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन क्या थी? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। क्या बना था हमारे पास? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ओवरऑल रिएक्शन यही है। चलो हमने वो तो हमने भाई सेपरेट वेसल में क्या करवाया? ऑक्सीडेशन। और सेपरेट में करवाया रिडक्शन। तो जिंक का क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। तो अब क्या लिखो? जिंक रोड। ये किसको दिखा रहा है? प्योर जिंक रोड को दिखा रहा है ये। अगर आपको ये तो क्या हो गया हमारे पास? प्योर जिंक रोड। और फिर ऐसे लिखो जिंक टू पॉजिटिव सी वन। क्या? टू पॉजिटिव सी वन, नहीं आपको ये? अरे बोलो भाई, अरे कहाँ पर गया तुम? देखो सीवन का मतलब क्या है? जो आपने कंसंट्रेशन ली है, क्या जो आपके पास ये वाला वेसल था ना, उसमें जिंक रोड थी, वो तो लिखो ब्रैकेट के बाहर, इस खड़ी ब्रैकेट के बाहर रखो, नहीं समझे बात? और वेसल के अंदर क्या था? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, तो वहां पर जिंक आयन की कोई ना कोई क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी ना। तो यहां पर क्या लिखो? जिंक आयन की अब आपको पता है जो अब जिंक आयन की कंसंट्रेशन एक मोलर, अगर जिंक आपको तो जिंक सल्फेट क्या होता है? एक मोल जिंक सल्फेट एक मोल जिंक आयन पैदा करेगा, दो मोल जिंक सल्फेट दो मोल, क्योंकि भाई एक, अरे भाई जैसे एक मोल कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? एक मोल कैल्शियम आयन लेकिन दो मोल क्लोराइड आयन, लेकिन आपको जिंक सल्फेट करेगा, जितनी कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट की होगी उतनी क्या होगी? जिंक आयन की होगी ना। तो ये क्या है? जिंक आयन की सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन। तो ये क्या है? जिंक रोड। और ये क्या है? ये तो क्या है? रोड वाला जिंक। ये क्या है? सॉल्यूशन वाला जिंक। इसको बाद में लिखो, क्यों? ताकि हमको पता लग जाए कि जिंक किस में कन्वर्ट होता है। जिंक यहां से कहा जाता है सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या है जिंक के कॉरस्पॉन्डिंग सी वन, नहीं आपको? रिडक्शन ऑफ सेल में क्या हुआ था? कॉपर पहले का कॉपर टू पॉजिटिव क्या होती है? कॉपर बनाती है
तो पहले क्या लिखो इसको, पहले को सॉल्यूशन की बात, कॉपर C2, क्या लिखो, कॉपर, सॉरी कॉपर 2 पॉजिटिव पहले, क्योंकि वहां पर भाई कॉपर, क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन असल में क्या होता है, जिंक से आयन बनती है, तो जिंक पहले लिखो, आयन बाद में लिखो, नहीं आपको कॉपर सल्फेट वाले वेसल में, वेसल में क्या होता है, कॉपर आयन कॉपर बनाती है, तो आयन पहले लिखो और रोड बाद में लिखो। अब आयन क्योंकि सॉल्यूशन भी होती है तो कोष्ठक में आएगी, क्या आयन सॉल्यूशन वाला पोर्शन का लिखना होता है कोष्ठक में, नहीं आपको तो यहां पर लिखो कॉपर सॉलिड, नहीं आपको ये सॉलिड, अरे बोलो भाई, तो ऐसे क्या शो कर देते हैं इसको, ऐसे क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आ गया आपको। और ऐसे आप भाई कई तरह के सेल आप तैयार कर सकते हो, ठीक है बात। अच्छा बताओ एक ध्यान रखियो, अगर आपने जिंक रोड किससे कंबाइन किए, अगर आपने जिंक रोड जिंक सल्फेट में और कॉपर रोड कॉपर सल्फेट में, तो जिंक सल्फेट के सेल में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, कॉपर सल्फेट में प्रोडक्शन हुआ था ना। लेकिन आप एक काम करो, आप कॉपर रोड कहाँ रख दो, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, कहाँ पर भाई, यहाँ क्या रखो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और यहाँ क्या डिप कर दो, कॉपर रोड। तो जैसे कॉपर सल्फेट में जिंक रोड घुलती है ना, वैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कौन घुलेगा, कॉपर रोड, नहीं आपको, आपको ऐसा कैसे हो गया भाई, नहीं आपको, अगर आप कॉपर सल्फेट में क्या रखोगे, सिल्वर, वो नहीं घुलेगी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रोड तो घुल जाएगी, सिल्वर रोड नहीं घुलेगी, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर रोड भी घुलेगी, और आपको हमको पता कैसे कौन सी किस्म में घुलेगी रोड, ये हमको पता लगेगा आगे, क्या आगे आपका कॉन्सेप्ट आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल का, समझे बात भाई। तो फिलहाल तो मैं बताऊंगा कि कौन सी रोड कहाँ घुलती है, नहीं आपको, तो अगर आपने आपने अगर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या रख दिया, कॉपर रोड, तो क्या होगी, डिजोल्व होगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सेल बनाऊं जिंक और कॉपर वाला, तो जिंक पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर पे क्या होगा रिडक्शन, लेकिन मैं सेल बनाऊं कॉपर और सिल्वर वाला, तो कॉपर का क्या होगा उस टाइम पे, ऑक्सीडेशन जो घुलता है उस ऑक्सीडेशन, और सिल्वर क्या होगा रिडक्शन, नहीं बेटा आपको। अब यहां पर देखो इसको, बताओ एक और ही हो गया हमारे पास, आ गया बताओ, देखो ये रहा, यहां बताओ क्या हमारे पास, ये तो हमने पढ़ लिया, अब ये बताओ यहां क्या हमारे पास, बताओ मेरे पास क्या है, कॉपर रोड मेरे पास क्या है, और यहां बताओ मेरे पास क्या है, सिल्वर रोड है, नहीं आपको। अब की बारी सिल्वर रोड क्या बन रखी है, पॉजिटिव, और कॉपर रोड क्या बन रखी है, नेगेटिव, मतलब, और यहाँ पर तो सॉल्यूशन किसका है बताओ, कॉपर नाइट्रेट है, किसका भाई, कॉपर नाइट्रेट का, और यहाँ बताओ क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, तो बताओ क्या होगा, तो बिल्कुल सेम चलेगा यहाँ पर, यहाँ बताओ क्या होगा, कॉपर आयन क्या करेंगी, अरे भाई यहाँ से कॉपर आयन क्या करेंगी, डिजोल्व होकर यहाँ पर आएंगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर जाएंगे, ऊपर से होते हुए साल्ट यहाँ पर आएंगे सिल्वर, और यहाँ से सिल्वर आयन क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन ले कहाँ पर चिप जाएंगी, सिल्वर रोड के ऊपर, नहीं आपको। और अगर एक ही वेसल में हुआ ना, तो सिल्वर कहाँ चिपकेगा, नीचे की तरफ, बॉटम ऑफ दी वेसल के अंदर, नहीं आपको ये, तो इसकी बताओ ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, आ गया, इसके बाद ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, बताओ हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, कि कॉपर प्लस 2AgNO3, Ag मैंने 2 क्यों लेना पड़ता है यहाँ पर, ये क्योंकि कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ बेटा क्या होगा, कॉपर प्लस 2AgNO3, बताओ क्या बनेगा, CuNO3, क्योंकि AgNO3 क्या होता है, 1- AgNO3 क्या होता है, 1- होता है ना, तो मुझे 2 मोल कॉपर, मुझे एक कॉपर आयन के ऊपर क्या होता है, 2 पॉजिटिव, तो एक कॉपर आयन 2 पॉजिटिव वाली, 2 सिल्वर
दो नाइट्रेट आयन को बैलेंस करेगी भाई, नहीं आपको तो CnO3 टू वापस क्या बनेगा 2Ag। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉपर क्या बनाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा 2Ag सिल्वर। ऐसे आप चांदी इकट्ठी कर सकते हो क्या, है ना, सिल्वर नाइट्रेट से क्या निकाल लो चांदी, नहीं आएगा आपको ये आसानी, मुश्किल है तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई। गैल्वेनिक सेल वोल्टिक सेल क्या होता है, ये डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं केमिकल एनर्जी से क्या बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।